आज के इस पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में एंड इसका क्या बेनिफिट है, क्या फीचर है, क्या इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या इसका फीचर है, क्या क्या इसमें घटाया गया फीचर, क्योंकि आ चुका है न्यू अपडेट। न्यू अपडेट में 2024 में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या जो इसमें फीचर है आपको डिस्काउंट हो गए हैं, मैंने फीचर है जो हट चुका है, ठीक ना। तो आपको अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्ड आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा है या नहीं है, या इससे अच्छा और भी कोई क्रेडिट कार्ड अभी मार्केट में चल रहा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक ना। सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये आपको 5% कैशबैक देखने को मिलता है अगर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कितना भी शॉपिंग करिए आपको 5% कैशबैक देखने को मिलेंगे। कई क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे क्या होता है कि उसमें टर्न ऑफ कंडीशन लगा देते हैं, 1000 ही कैशबैक देखने को मिलेगा, 200 ही कैशबैक देखने को मिलेगा। नहीं, इसमें आपको टर्न ऑफ कंडीशन नहीं है, जितना मन चाहे उतना शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था अब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते थे 5% कैशबैक देखने को मिलता था, अभी भी आप शॉपिंग करिएगा 5% कैशबैक देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको मिंत्रा पर पहले करते थे उस पर भी आपको 5% कैशबैक देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे हट चुका है, उसमें यहाँ पे काटा मार चुका है यानी हट गया है। मिंत्रा पे आप शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। फ्लिपकार्ट का है कुछ पार्टनर्स ब्रांड है यहाँ पे जो पार्टनरशिप किए हुए 4-5 पार्टनर्स है, जैसे देखते हैं PVR हो गया, स्विगी हो गया, टाटा पे हो गया, उबर हो गया, कुछ इस तरीका से 4-5 यहाँ पे ब्रांड्स हैं, ठीक ना। तो इस पे अगर शॉपिंग करते हैं तो 4% आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का आता है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 1.5% कैशबैक ऑन अनदर शॉप स्पेंड करते हैं तो, यानी कहीं भी शॉपिंग करते हैं आप तो 1.5% कैशबैक आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे मोटा मोटा ये हुआ कि फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करिएगा 5% देखने को मिलेगा, 4% कैशबैक देखने को मिलेगा। जो पार्टनर्स हैं यहाँ पे ब्रांड है किए हुए 4-5 टाइप उस पर कीजिएगा तो 4% कैशबैक देखने को मिलेगा, और 1.5% कैशबैक आपको देखने को मिलेगा कहीं भी स्पेंड करिए हमें आपको 1.5% कैशबैक देखने को मिलेगा। पहले क्या था मिंत्रा पे भी मिलता था, लेकिन मिंत्रा यहाँ पे हट चुका है यानी काटा मार चुका है। अगर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेंगे, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीछे में देख सकते हैं फ्यूल सरचार्ज पेपर पर हो गया, देख सकते हैं गिफ्ट कार्ड पे हो गया, यानी फ्लिपकार्ट मिंत्रा तो यहाँ पर कट ही कर दीजिए, EMI ट्रांसफर करते ही उस पर भी आपको कैशबैक देखने को नहीं मिले। EMI जैसे कि कोई परचेज किया यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से उसका EMI आप करवा लेते हैं तो उस केस में आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। देखते हैं ज्वेलरी पे हो गया, बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, देखते हैं फी एंड क्रेडिट कार्ड आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो कैशबैक नहीं मिलेगा, स्टूडेंट हैं तो बिल पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं तो कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा, कॉलेज में बिल पे कर रहे हैं उससे तो कैशबैक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी आपको लिखा हुआ पीछे नजर आ रहा है इतना पे आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बात करें एक आता है फ्लिपकार्ट का ऐप हेल्थ मेडिसिन ऐप का, इस पे भी आपको मेडिसिन यानी दवाई मंगाते हैं तो इस पे भी आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। फ्लाइट टिकट बुक करते हैं यानी होटल का बुकिंग करते हैं उस पे भी आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। पहले 1.5% आपको देखने को मिलता था फ्लाइट पे या होटल पे, लेकिन अब यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये न्यू रूल आ गया करें। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट एक देखने को मिलता था, पहले 1100 रुपये का बेनिफिट देखने को मिलता था जिसमें आपको 500 आपको फ्लिपकार्ट में कूपन मिलता था वाउचर, और 500 आपको मिंत्रा में देखने को मिलता था, 100 रुपये आपको स्विगी में देखने को मिलता था, टोटल हो जाता था 1100 रुपये। तो यहाँ तो मिंत्रा तो गायब हो गया, उसको तो पार्टनर से हटा दिया गया। अब यहाँ पर आपको वेलकम बेनिफिट बड़े बड़े अक्षरों में क्या देखने को मिलेंगे, 600 रुपये, यानी 500 आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा, 100 रुपये आपको स्विगी में मिलेगा। इसका टर्न ऑफ कंडीशन क्या है वो भी आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें फ्लिपकार्ट में फर्स्ट ट्रांजेक्शन जैसे ही करते हैं यानी कार्ड अप्लाई किए आज 4-5 दिन के बाद आपके पास कार्ड आएगा क्रेडिट कार्ड, उसको जैसे ही एक्टिव करते हैं तो उसको 30 दिन के अंदर आपको उसको फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना होगा यानी शॉपिंग करना होगा, ठीक। जैसे ही शॉपिंग करते हैं आपका जो कूपन है अवेलेबल हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर लिंक आएगा, उसको कोड को एक्टिव कर लेना है। जैसे ही एक्टिव करते हैं 1 साल के लिए आपको वैलिड रहता है, उसको 1 साल के अंदर उस 500 रुपये जो आपको वाउचर मिलेगा उसको आपको यूज कर लेना है, ठीक ना। और 100 रुपये एज है इसको आप तो स्विगी पर जाकर
खा पी के अचार। लाइक करने की अगर बात करें तो एज यहाँ पे 18 से 70 है, अगर आपका 18 है तो इसको भी आप लाइक कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड स्कोर 0 भी है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास बिजनेस होना चाहिए, क्या जॉब होना चाहिए, स्टॉक मार्केट कुछ भी ऐसा होना चाहिए ऑनलाइन भी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना, करिएगा, क्योंकि मैं अप्लाई किया था तो मेरे को तो दे दिया था, ठीक। अगर ज्वाइनिंग फी की बात करें, एनुअल फी की बात करें, तो यहाँ पे 500 रुपये हैं, और इसको माफ करना चाहते हैं कि 500 रुपये मैं देना नहीं चाहता हूँ, स्टार्टिंग में आपको लग जाएगा, ठीक। लेकिन अगर माफ करना चाहते हैं तो इसमें टर्म ऑफ कंडीशन क्या है, पहले 2 लाख था लेकिन अब हो गया है 3.5 लाख, यानी शॉपिंग कर लेते हैं सालाना तो आपको 500 का जो एनुअल फी है आपको माफ हो जाएगा, ठीक। इसमें अगर कैश विड्रो कर लेते हैं तो 2.5% का आपका चार्ज लगेगा, इसलिए भूल के भी कैश विड्रो नहीं करना है, नहीं तो आपका घाटा चल जाएगा, ठीक ना, बहुत पैसा चार्ज करता है, इतना कटेगा कि आप बेहोश। आपको फील सचार व्यवहार भी देखने को मिलते हैं 1%। टर्न ऑफ कंडीशन क्या है कि 400 से 4000 तक आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको देखने को मिलता था 400, ठीक ना, 1% देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डाइनिंग रेस्टोरेंट हो गया उस पर भी आपको कितना परसेंट, 15% आपको अप टू देखने को मिल सकता है कैशबैक, ठीक। फिर थे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया, अब आपके मन में कोई भी सवाल हो, वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा, या अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक ना। अप्लाई करने का लिंक आई बटन पर लिंक मिलेगा, जाकर उस वीडियो को देखिएगा कैसे अप्लाई किया जाता है, फुल प्रोसेस उसमें बताया गया, कोई बकवास नहीं, सीधे अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।